एक बार फिर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इतिहास रच दिया है। 5 साल का कर आखिरकार अंतरिक्ष मिशन कामयाब हो गया और अंतरिक्ष यान जून कक्षा में प्रवेश कर लिया है। देखिए ये रिपोर्ट। अंतरिक्ष के क्षेत्र में नासा के हाथ एक बड़ी कामयाबी। जूनो ने सफलतापूर्वक बृहस्पति की कक्षा रखा कदम। अब से उठेगा पर्दा। यात्रा के बाद नासा का अंतरिक्ष यान पहुंच ही गया। नासा ने जूनो को 5 अगस्त 2011 को लॉन्च, जिसके बाद जुपिटर की कक्षा में पहुंचने के लिए जूनो ने 5 वर्षों में करीब 280 करोड़ किलोमीटर। नासा मिशन में करीब 8। आपको बता दें कि जूनो यान की एवरेज स्पीड 38,000 किलोमीटर प्रति घंटा है, पर इसकी रफ्तार 266,000 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। नासा की इस उपलब्धि को ग्रहों के राजा और सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की उत्पत्ति और विकास को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आइए जानते हैं अंतरिक्ष यान जूनो से जुड़ी कुछ बातें और बृहस्पति से जुड़े कुछ रहस्यों को सुलझाने में जूनो की क्या भूमिका रहेगी। नासा का जूनो यान सौर ऊर्जा से संचालित है और इसे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह से जुड़े रहस्यों को सुलझाने के लिए अमेरिका किया गया है। अंतरिक्ष यान है, इसे पहले पर भेजा गया था, 9 वैज्ञानिक उपकरण लेकर गए। बृहस्पति ग्रह की बनावट, वहां के क्षेत्र की जानकारी पृथ्वी की ओर भेजेगा। जूनो यह भी पता लगाएगा कि क्या गैस ज्वाइंट माने जाने वाले बृहस्पति ग्रह की गैस की परत के नीचे कोई पथरीला केंद्र। इसके साथ ही जूनो बृहस्पति के गहरे वातावरण में मौजूद जल और अमोनिया की मात्रा भी नापेगा। वैसे नासा की माने तो फरवरी 2018 तक जूनो ग्रह की पूरी खोज कर लेगा और उसके बाद बृहस्पति ग्रह से जुड़े कई राज सबके सामने होंगे। ये ना सिर्फ नासा बल्कि पूरी दुनिया के है और अंतरिक्ष में इंसान की एक बड़ी उछाल भी।